हेलो बच्चों, तो विहान क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास टेंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ रहे हैं। गद्य पोर्शन में मित्रता चैप्टर का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा, तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। ठीक, अब सोचिए कि संगति का असर क्या होता है, कितना खतरनाक या कितना बुरा हमारे जीवन पर, हमारे चरित्र पर पड़ता है। सोचिए कि मकदूनिया का बादशाह था डेमेट्रियस, और वह क्या करता था, केवल और केवल अपने 5-6 मित्रों को लेकर क्या करता था, समय बिताता था। मतलब मदिरा पान करे, नृत्यांगनाओं का नाच देखे, है ना, विषय वासनाओं में लिप्त रहा करता था। इसी तरीके से वह कई बुरी आदतों का शिकार हो गया था। किसके कारण, अपने 4-6 मित्रों के कारण। ठीक, तो एक बार उसने क्या किया था कि बीमारी का बहाना करके कहा कि मेरी तबीयत नहीं सही है या मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार आ गया है। वह इसी तरीके से क्या कर रहा था, विषय वासनाओं में, है ना, विषय वासनाओं में मदिरा पान करने में, इसी में अपना जीवन बिता रहा था, दिन काट रहा था। तो उसी बीच डेमेट्रियस का पिता जो था वो गया उससे मिलने के लिए कि आखिर देखें उसकी तबीयत कैसी है। तो जैसे ही उसके पिता वहाँ पहुँचे तो डेमेट्रियस कहता है कि मुझे ज्वर ने अभी छोड़ा है, मतलब बुखार मेरा अभी समाप्त हुआ है। तो उसका पिता जो था डेमेट्रियस का, वो समझ गया कि यह बुरी संगति का क्या हो गया है, शिकार हो गया है, इसके जो मित्र हैं वो बुरे हैं। तो जब वह उसके कमरे में, उसके कोठरे में प्रवेश कर रहे थे, तभी जो डेमेट्रियस था उसका मित्र क्या कर रहा था, बाहर निकला। तो जैसे उसने कहा कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है, तो उसके पिता ने कहा, हाँ ठीक है, अभी वह मुझे दरवाजे पर मिला था। कहने का मतलब क्या है, असली बीमारी, जो वास्तविक बीमारी है, वह क्या थी, बुरे मित्र की संगति थी, है ना, बुरे मित्र की संगति ही क्या थी, असली बीमारी है मनुष्य के जीवन में। ठीक, यहाँ पर लेखक ने यही कहा है कि जब उसने कहा कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है, तो उसके पिता ने यह समझ लिया कि यह बुरी संगति का शिकार हो गया है, इसके मित्र बुरे हैं, इसीलिए ये क्या है, इस तरीके के दिन अपने व्यतीत कर रहा है। तो इसीलिए उसके पिताजी ने कहा कि हाँ, ज्वर मुझे अभी रास्ते में मिला था या दरवाजे पर मिला था। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो बुरी संगति थी जिसके साथ में वह था, वह अभी अभी उसको छोड़कर गया है। ठीक, और जब वह उसका बुरा मित्र उसका साथ छोड़कर गया, तो उसकी सारी बीमारी क्या हो गई, दूर हो गई। ठीक, फिर आगे ये जो आपका है यहाँ से कुसंग का ज्वार, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक, अब देखिए, कह रहे कुसंग का ज्वर, है ना, कह रहे कि जो बुरी संगति का बुखार है या जो बुरी संगति की आदतें हैं, वह इतना खतरनाक होता है, इतना भयानक होता है कि इससे केवल आपकी नीतियों का, आपके चरित्र का, आपके आचरण का ही नाश नहीं होता, बल्कि आपकी बुद्धि भी क्या हो जाती है, आपकी बुद्धि का भी नाश होता है। कहने का मतलब क्या है कि आप क्या करते हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता, जो आपके सोचने समझने की शक्ति है, वह भी छीण पड़ जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि यदि आप बुरे संगति में हैं, बुरे व्यक्तियों के संगति में हैं, तो
उससे आपका आचरण, आपकी नीति, आपका चरित्र और आपकी बुद्धि का भी नाश होता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, है ना, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। कहने का मतलब यहाँ ये क्या है कि यदि आप किसी युवा पुरुष की संगति कर रहे हैं तो क्या है, यदि वह व्यक्ति, वह पुरुष क्या है, बुरा है, है ना, वो क्या है, बुरा है, तो वो निरंतर आपको क्या करेगा, अवनत की ओर ले जाएगा। मतलब आपका किसी तरीके से विकास नहीं हो पाएगा, आप अपने जीवन में किसी प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब वह तो क्या होगा, उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। मतलब चक्की मतलब क्या है कि चक्की का काम है आगे बढ़ते चलना, लेकिन यहाँ पर चक्की क्या काम करेगी, उल्टा काम करेगी, मतलब आपको हमेशा अवनति की ओर ले जाएगी। ठीक, फिर यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। कह रहे हैं कि यदि उस पुरुष की संगति अच्छी होगी, वह व्यक्ति अच्छा होगा, उसके अंदर अच्छे गुण होंगे, तो वो क्या होगा, वह सहारा देने वाली भुजाओं के समान होगी, जो आपको हमेशा और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और आपको जीवन में उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे। ठीक, तो ये क्या है, ये यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि आप अच्छे व्यक्ति की, गुणवान व्यक्तियों की अगर आप संगति करते हैं तो आपका जीवन सफल होगा, आप हमेशा निरंतर क्या करेंगे, उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। और यदि आपकी संगति बुरी होगी तो आप अपने जीवन में अवनति की ओर जाएंगे। ठीक, हमेशा अवनति के गड्ढे में गिरते जाएंगे। इसी तरीके से क्या था कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। ठीक, अब कोई युवा पुरुष था, अब आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा कि जिसको राज दरबार में जगह मिले और वो जाए ना, है ना, सभी राज दरबार में जाना चाहेंगे कि राजा के संपर्क में वो बना रहे, राज दरबार में उसको कोई पद मिले, है ना। लेकिन एक युवा था, उसको क्या हुआ कि विद्वान था और उसको राज दरबार में जगह नहीं मिली, तो वह जिंदगी भर क्या किया, अपने भाग्य की सराहना करता रहा कि चलिए अच्छा हुआ मुझे वहाँ पर राज दरबार में जगह नहीं मिली, नहीं तो निश्चित तौर पर वहाँ क्या है, राज दरबार में भी बुरे लोग होंगे। ठीक, अब बुरे लोग होंगे तो निश्चित तौर पर मैं उनके संपर्क में रहूंगा, तो उससे क्या होगी, उनकी संगति का, बुरे लोगों की संगति का असर हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। ठीक, तो उस जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते, मतलब कह रहे हैं कि जो वह युवा विद्वान था वो क्या था, वह समझ गया कि यदि मैं इनकी संगति में रहूंगा तो मेरी जो आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक मतलब क्या होता है, मतलब धर्म से संबंधित जो ज्ञान की बातें हैं, है ना, धर्म से संबंधित जो ज्ञान की बातें हैं उससे क्या होगा, उसमें, उस मार्ग में भी वो लोग क्या करते, बाधा उत्पन्न करते। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यदि आप उनके संपर्क में रहें, थोड़े ही समय के लिए रहें, तो आपको वो ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, बताएंगे कि लगेगा कि नहीं अब यही बिल्कुल सही है। मतलब आपका पूरा का पूरा ध्यान क्या होगा, दूसरी तरफ घुमा दिया जाएगा, आपको पूरे आपके मार्ग से ही विचलित कर दिया जाएगा, है ना। एक घटना अभी हाल में हुई है कि यही आपके विद्यालय में ही क्या हुआ है कि ऐसे चीज़ें बताई गई लोगों को, है ना, कि सीधे सीधे क्या है, किसी विशेष व्यक्ति के प्रति या किसी जाति संप्रदाय के प्रति तत्काल क्या हो गया, उसकी धारणा बदल गई, है ना। जो व्यक्ति कभी उसके बारे में अच्छा सोचता था, अच्छा समझता था, लेकिन क्षण भर के लिए
है ना, क्षण भर के लिए वो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया कि उसका पूरा का पूरा क्या हो गया, उसका पूरा का पूरा ध्यान ही भंग कर दिया गया और क्या किया गया, उसको उस तरफ से बदल दिया गया, मतलब उसके जो सोचने समझने की क्षमता थी, जो शक्ति थी, उसको ही परिवर्तित कर दिया गया। ठीक, तो ऐसे ही होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घड़ी भर का साथ, मतलब क्षण भर का भी साथ अगर मिल जाता है तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, आपकी पूरी की पूरी बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देते हैं। ठीक, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए, है ना, ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि जो कानों में ना पड़नी चाहिए। कहने का मतलब कि आपको ना चाहकर भी, यदि आप नहीं चाहते हैं कि हम ऐसी बातें ना सुने, लेकिन वो व्यक्ति आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे कि जिससे क्या होगा कि चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, मतलब आपके मन पर, आपके हृदय पर ऐसा प्रभाव वो डाल देते हैं कि जिससे, जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है ना। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके आचरण है, जो आपका व्यवहार है, उस पर भी क्या होता है, वो प्रभाव डालते हैं, है ना, मतलब आपकी जो पवित्रता है उसको भी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। फिर बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। इस बात को समझिए, यदि आपको कोई अच्छी बात बताई जाती है तो वह आपको जल्दी से समझ में नहीं आती। पहली बात तो यह है कि आपको समझ में नहीं आती। दूसरी बात, यदि समझ में आती है तो 2-4-6 दिन बाद आप उसको भूल जाएंगे कि हमको कोई अच्छी बात बताई भी गई थी। लेकिन यदि आपको कोई बुरी बात आज बता दी जाए तो आपसे 10 साल बाद पूछा जाए तब भी आप क्या कहेंगे, आपको याद रहेगा, है ना। तो जो बुरी बातें होती हैं, जो बुराइयां होती हैं, यह बिल्कुल अटल भाव, मतलब बिल्कुल स्थिर होकर आपके मन में बैठ जाती है, आपके हृदय में बैठ जाती है। इसीलिए हमें क्या है कि ना तो बुरी बातों को सुनना चाहिए और ना तो बुरे व्यक्तियों की संगत ही करनी चाहिए। जैसे इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि बद्दे व पूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ जाते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं है ना। कोई अभी अच्छा गीत आ जाए तो वो आपको जल्दी से नहीं याद होगा, लेकिन यदि कोई फूहड़ मतलब क्या होता है, जो सुनने योग्य ना हो, है ना, जो सुनने योग्य ना हो, जिसमें क्या हो, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो इस तरीके के जो गीत हैं, भद्दे गीत हैं, यह क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। तुरंत एक बार सुने दिमाग में क्या होता है, उसकी पंक्तियां आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। लेकिन कोई अगर अच्छा गीत, कोई लोकगीत आपको सुना दिया जाए तो 10 बार सुनने के बाद भी आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो यह एक क्या है, मानव स्वभाव है, या आप कह सकते हैं कि एक मानव स्वभाव है या मानव की प्रकृति है कि बुरी बातें, जो फूहड़ बातें होती हैं, वो आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाती हैं और अच्छी बातें दिमाग में अच्छे से नहीं बैठ पाती हैं। फिर कह रहे हैं कि एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा था कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है ना। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई थी और उसको बचपन में ही क्या हो गया था, कोई बुरी बात बता दी गई थी या उसने सुन लिया था और वो बड़ा हो गया, है ना, वो कहता है कि बार बार मैं उस बात को भुलाना चाहता हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी वो बात हमारे जहन में, हमारे दिमाग में वो आ ही जाती है ना। इस तरीके से बुरी बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। फिर क्या है, जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं, है ना। बेधती मतलब होता है क्या, परेशान करना, है ना, चुभना। तो कह रहे हैं कि जिन बातों को, जिन भावनाओं से हम दूर रहना चाहते हैं, मतलब जो बुरी बातें हैं, गंदी बातें हैं, उनसे यदि हम दूर रहना चाहते हैं तब भी क्या होता है, हम उनको याद भी नहीं करना चाहते तब भी वे बार बार मन में, बार बार हृदय में वो आ ही जाती है, मतलब उसका स्मरण हो ही जाता है ना चाहते हुए भी। तो कह रहे हैं कि अतः तुम पूरी चौकसी रखो कि ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। तो लेखक यहाँ पर कह रहा है कि इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही रास्ता है कि आप ऐसे लोगों का साथ ही ना करें जो आपसे अश्लील बातें करें, है ना, मतलब अश्लील बातें करके, अपवित्र बातें करके और फूहड़ बातों से क्या करें, आपको प्रसन्न करें, खुश करें। तो ऐसे मित्रों से ही हमें
दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप इनके साथ रहेंगे, इनके संपर्क में रहेंगे, तो क्या होगा, ये ऐसी ही बातें करेंगे और धीरे धीरे आप भी क्या करेंगे, उसके आदि बन जाएंगे, उसके सुनने के आदि बन जाएंगे, फिर आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे आगे एक लाइन दी गई है कि सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। ठीक। अब देखिए, लेखक यहाँ पर सावधान कर रहा है किसको, जो युवा क्या कर रहे हैं, मित्र बनाने की होड़ में लगे हैं, मित्र बनाने की लाइन में लगे हैं, ऐसे लोगों को सावधान करते हुए लेखक कह रहा है कि जितनी बातें ऊपर बताई गई, ये क्या होगा, शुरुआत में तो आपको क्या हो, शुरुआत में आपको ये सामान्य सी बातें लगेंगी, है ना, शुरुआत में सामान्य सी बातें लगेंगी, आप सोचेंगे कि चलिए ठीक है, हमारे संपर्क में हम अच्छे हैं, हम इसको सुधार देंगे, है ना। लेकिन एक जो अभी आपने ऊपर आपको एक बात बताई गई कि जो बुरी बातें होती हैं यह आपके हृदय पर अधिक प्रभाव डालती है ना, तो उसके ऊपर अच्छी बातों का ज़्यादा प्रभाव ना होकर हो सकता है कि आपके ऊपर उसकी बुरी बातों का प्रभाव ज़्यादा हो जाए। तो इसीलिए लेखक यहाँ कह रहा है कि इसे एक सामान्य बात ना समझो कि आपने सोचा कि चलिए एक दो बार हो गया, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा या सुधर जाएगा और बाकी हम तो अच्छे हैं ही, है ना, ऐसी भी भावना आती है कि चलिए हम तो अच्छे हैं, हम एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, है ना, हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अरे ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो इस तरीके की बातें, अश्लील बातें, अपवित्र बातें, फूहड़ बातें जो आपसे कर रहे हैं ये आगे चलकर सुधर जाएंगे, तो कह रहे हैं कवि लेखक कह रहा है कि फिर ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होगा, वह व्यक्ति वैसा का ही वैसा रहेगा बल्कि आपको भी प्रभावित करेगा। कह रहे हैं कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है, है ना। कह रहे हैं कि एक बार यदि आप क्या किए, आपका मित्र आपसे एक बार कोई बुरी बात बताया, कोई गंदी बात बताया, आपने सुन लिया, ठीक, फिर दोबारा बताया, आपने सुन लिया, फिर क्या होगा, फिर आप कहेंगे चलिए क्या होता है कि एक बार सुन लिए, दो बार सुन लिए, अब सुनना तो है यही है, ठीक, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप उसके आदि हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि यदि आप एक बार कोई बुरा कार्य कर लिए, है ना, एक बार अगर आप कोई बुरा कार्य किए और फिर उसके बाद दोबारा भी कर लिए, तो आपके मन में ये आ जाता है कि चलिए हमने एक बार तो कर लिया है, अब दोबारा भी कर लेते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, यही कहा गया है कि यदि मनुष्य एक बार पैर कीचड़ में डाल देता है, मतलब अगर आप एक बार बुराइयों में फंस गए, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम बाहर निकल आएंगे, तो फिर वहाँ पर व्यक्ति ये नहीं देखता है कि हमें बाहर निकलना है, वो वहाँ ये सोचने लगता है कि चलिए एक बुरा काम हो गया, एक और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब वह अपना पैर क्या, जिस प्रकार से आपके पैर में एक बार कीचड़ लग गया, तो आप रास्ते भर ये नहीं देखकर चलेंगे कि अब रास्ते में कीचड़ कहाँ है, है ना, आप उसमें उछलते कूदते हुए जाएंगे, आपके मन में यही आएगा ना कि चलिए ठीक है एक बार तो कीचड़ लग गया है, अब कितना लगेगा, ठीक। और यदि आप साफ सुथरे हैं, तो पूरे रास्ते भर अगर कीचड़ होगा, तो आप निश्चित तौर पर उससे पूरा बचते बचते जाएंगे, मार्ग में निकलेंगे बचते बचते, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके कीचड़ लग जाए। लेकिन यदि आपके एक बार कीचड़ लग गया या आपका पैर कीचड़ में चला गया, तब क्या होगा, तब आप फिर आगे जितने भी कीचड़ आएंगे उससे आप फिर बचने का उपाय नहीं ढूंढेंगे, है ना। उसी प्रकार से आप अगर एक बार बुराइयों में फंस गए, तो फिर क्या होगा, आगे जितनी भी बुराइयां आएंगी आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, है ना, आप आगे भी बुराइयों में फंसते चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से तो लेखक कह रहा है कि धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, है ना, आप भी धीरे धीरे क्या करेंगे, उन्हीं बुराइयों में फंसते चले जाएंगे और उन बुरी बातों से, उन फूहड़ गीतों से भी आपका, आपकी जो घृणा है, जो आप उससे ईर्ष्या करते हैं, जो आप उससे सुनने से दूर भागते थे, तो धीरे धीरे आपकी घृणा भी कम हो जाएगी, आप भी उसके आदि हो जाएंगे। पीछे तुम्हें जिनसे चिढ़ पीछे
तुम्हें जिनसे चिन्ह न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे चिढ़ने की बात ही क्या है, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। कह रहे हैं कि पीछे मतलब बाद में, है ना, बाद में क्या होगा कि बाद में तुम्हें इन सब बातों से चिढ़ नहीं रहेगी, है ना। आप क्या सोचेंगे इसमें, सोचेंगे आप इसमें चिढ़ने की क्या बात है, हमने तो एक गंदा काम किया, एक बुरा काम किया, दूसरा बुरा काम किया, अब इससे हमें किसी प्रकार की कोई चिढ़ नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि आप बुरी आदतों के शिकार हो जाएंगे। और कह रहे हैं कि इससे तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, मतलब जो आपके अंदर विवेक है यह भी आपका कुंठित, कुंठित होना मतलब क्या है कि आपका जो विवेक है वो कार्य करना बिल्कुल बंद कर देगा, है ना, कुंठित हो जाएगा, मतलब आप जहाँ पर थे आप वहीं पर स्थिर रह जाएंगे और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी, फिर आप अच्छी और बुरी बातों की आप पहचान भी नहीं कर पाएंगे, अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूट से बचो, है ना। सबसे बचने का तरीका इससे यही है कि अगर आपके अपने हृदय को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है और आपको निष्कलंक रहना है ना, आपको किसी भी प्रकार की बुराइयों से दूर रहना है, तो इसका सबसे अच्छा यही उपाय है कि आप बुरी संगति से बचो, है ना। बुरी संगति किसी की, मतलब किसी भी व्यक्ति की बुरी संगति ना करो, क्योंकि लेखक कह रहा है कि यहाँ एक पुरानी कहावत कही गई है कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है, है ना। सयानो मतलब होता है विद्वान, है ना। कह रहे हैं कि कितना भी जानकार व्यक्ति, कितना भी विद्वान व्यक्ति, क्या है कि वह काजल की कोठरी में जाए और कहे कि मुझे मेरे ऊपर क्या होगा, काजल का एक छींटा भी नहीं पड़ेगा, तो वह गलत सोच रहा है, क्योंकि एक लीक काजल की, कह रहे हैं कि काजल की चाहे एक छींटा ही उसके ऊपर पड़ेगा लेकिन क्या होगा, उसके काजल लग ही जाएगा, है ना। अगर आप काजल की कोठरी में जा रहे हैं तो आपको क्या होगा, उसका काजल का कोई ना कोई छींटा आपके ऊपर पड़ ही जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप क्या है बुरे व्यक्तियों के साथ में हैं तो निश्चित तौर पर आप भी क्या हो जाएंगे, बुरी व्यक्तियों के शिकार, बुरी आदतों के शिकार हो जाएंगे, उस व्यक्ति का प्रभाव आपके ऊपर निश्चित तौर पर पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए हमें बुरे व्यक्ति की संगति कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ से आपका एक व्याख्या था, सावधान रहो, है ना, सावधान रहो से ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक सामान्य बात समझो, यहाँ से, या तो आपका यहाँ से भी पूछ सकता है, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है ना, यहाँ से पूछ सकता है, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये मित्रता चैप्टर समाप्त हुआ। अब आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जयशंकर प्रसाद के बारे में चर्चा करेंगे। ममता कहानी है, जो एक ऐतिहासिक कहानी है ना, मुगल काल से रिलेटेड है, हुमायूं से, ठीक। तो इस कहानी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक।